हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू, माय सक्सेस टीम से आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, सीम वे। ठीक है, जो लाइव मेरा क्लास चल रहा है उसी में से कटिंग में से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसी को लाइव ये रिकॉर्डिंग किया गया है। सीम सेक्शन रहने के लिए तो बहुत छोटा सेक्शन है, लेकिन इस छोटा सेक्शन के अंदर में कितना वे कैसे कैसे लाइन बना हुआ है, जिसमें से आप लोग बहुत सारा ऐसा भी है जिसको आप लोग स्किप करते हो कि सिम सर्किट से कैसे वर्क कर रहा है, नेटवर्क सेक्शन से क्या संबंध है। ठीक है, उसको इस वीडियो में मैं ओपन करने वाला हूँ। प्लस सिम के जितने भी सर्किट हैं कि उसके अंदर में कौन कौन सा लाइन है, कैसे कैसे वर्क करता है और कितना टाइम वर्क करता है, कितना टाइम वोल्टेज उसके अंदर में इनपुट हो रहा है और कितना टाइम में आउटपुट हो रहा है, वो सब चीज़ इसके अंदर में आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहले तो वे को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में इनपुट आउटपुट के जो वोल्टेज हैं उसको क्लियर करूंगा। सबसे पहले लाइन को पूरा क्लियर कर देता हूं कि लाइन कैसे किस कौन कौन से लाइन उसके अंदर में दिया गया है। मैं सिम वन और सिम टू दोनों सर्किट को एक साथ लेकर के चलूंगा और इसके अनुसार से देखो, जो सबसे छोटा सर्किट समझते हैं ना, कोई भी सेक्शन को यदि आप छोटा सर्किट समझना शुरू किए, वो सर्किट में आप काम नहीं कर सकते। रियल बोलोगे तो कोई भी सेक्शन छोटा नहीं है ना, कोई भी काम छोटा नहीं, चाहे माइक का भी करो, चाहे आईसी उठा के करो, उसमें भी दिमाग की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वहाँ पर मान लीजिए माइक ही रिपेयर कर रहे हो, ये तो मेरे लिए चुटकी खेल है बोल रहे हो ना, तो आपसे माइक भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका घमंड भरा हुआ है कि मैं ये छोटा सेक्शन ऐसे निपटा दूँगा। वहाँ पर क्या है, लाइन वे के अनुसार से काम करना पड़ेगा हर एक सर्किट के अंदर। मैं आपको सब चीज़ दोनों चीज़ क्लियर कराऊँगा, जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन, कोई भी टूल दिया हुआ है तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ को स्किप किया गया है टूल के अंदर में, हम उस टूल की मदद से करते हैं तो कितना तक सक्सेस होंगे वो भी क्लियर होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिम वे के जो सर्किट है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है, लाइन कहाँ से कहाँ तक गया है, उसको मैं सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सिम वे लिया, सिम वे के अंदर में मैं सिम ट्रे सबसे पहले ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो पोर्शन है आपका मेमोरी वाला, ठीक है, मेमोरी वाले पोर्शन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अभी मैं आपको यही दोनों क्लियर करवा रहा हूँ, सिम वन और सिम टू। अगर मैं एक के ऊपर भी करवाऊँगा तो भी वही होगा, सिम वन भी वही वैसे वर्क करेगा, सिम टू भी वैसे वर्क करेगा, लेकिन मैं दोनों के अनुसार से करूँगा क्योंकि ये जो एनिमेशन मैं तैयार किया हूँ सिम वन और सिम टू के अनुसार से किया हूँ। ठीक है, तो इसको फिर से आगे मैं लेके चल रहा हूँ। मैं लिया एक पावर आईसी, ठीक है, एक सिम ट्रे लिया हूँ, एक पावर आईसी, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट सेटअप है उसको मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं लिया सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बाद में मेरे को रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगा चार, जो एक 100 किलो ओम्स का रहेगा और 3 11K का रहेगा। तो जो पहले के सर्किट और अभी के सर्किट में आप ये वीडियो से मिलान करोगे तब क्लियर होगा। अभी के जितने भी सर्किट हैं ना, जो जब सबसे ज़्यादा रन है सिम सेक्शन के लिए, वो सेक्शन के लिए जो जो चीज़ अभी चल रहा है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट के अनुसार से। इसमें थोड़ा पीछे जाओगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, तो अभी लेटेस्ट वाले के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन लिया जो दोनों सिम के लिए गया है, वो है रीसेट की लाइन। देखो सिम के अंदर में हमारा इंपॉर्टेंट लाइन बोलोगे तो 5 पिन का है, ठीक है, एक बीच वाला जो यानी कि सबसे पहले वी सिम हो गया जो वोल्टेज वाली लाइन, उसके बाद रीसेट लाइन, उसके बाद क्लॉक, उसके बाद आयो मतलब डेटा का सर्किट, ठीक है, हमको और एक हो गया ग्राउंड। ये पाँचों सर्किट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सर्किट इसलिए इसमें कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया रीसेट की लाइन। तो रीसेट का लाइन का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों की रीसेट का काम क्या है, कुछ भी चीज उसके अंदर से अगर उसको रीसेट करना होगा तो ये लाइन से इसका वर्किंग स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूं नेक्स्ट आयो मतलब डेटा की सर्किट, जो इस सिम के अंदर से जो भी डेटा लेन देन का प्रक्रिया रहेगा, चाहे ये सीपीयू से ले चाहे सीपीयू इससे ले, ये डेटा यही लाइन से हमारे पूरे डेटा जाएंगे। जैसे कि मान जाए आपने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हैं, वो ही डेटा सिम से यहाँ आना है ना इसको सीपीयू को, वो इसी लाइन से डेटा के साथ में इसी लाइन से आएगा हमारा पूरा डेटा। अब मैं शुरू में भी बोला हूँ आप लोगों की, जहाँ जहाँ आपको डेटा मिलेगा वहाँ वहाँ क्लॉक मिलेगा, बिना क्लॉक का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
ठीक है, उसको क्लॉक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमको जहाँ जहाँ डेटा की है वहाँ वहाँ हमको क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो एक लाइन और है जो हमारा है क्लॉक की लाइन। अब ये लाइन हो गए तीन। अब इसके बाद में चौथा ग्राउंड, जब तक इसके अंदर में नेगेटिव नहीं रहेगा काम तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब नेगेटिव के बाद में हम लेते हैं पॉजिटिव की लाइन, जो बोलते हैं हमको VDD। हमारे पावर आईसी से एक VDD की लाइन आएगा, जो ये ऑटो, जैसे कि कोई भी LDO है जिसको हम लोग ट्रिगर देते हैं, किसी भी चीज़ को EN देने के बाद में आउटपुट होता है। जैसे कि LDO लगा हुआ है बाहर सर्किट में, कहीं से EN आया तब जा कर के आउटपुट हो रहा है। तो इस सर्किट में भी वैसा है। इसमें आप डायरेक्ट मान जाए इसके अंदर में ये सिम की ट्रेस, यहाँ पर आप वोल्टेज मेजरमेंट करने चलेंगे वहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलने वाला, ट्रिगर के बाद मिलने वाला है। तो जो इस IC के अंदर में दोनों सिम के लिए अलग अलग आपको LDO देखने के लिए मिलेगा और अलग अलग लाइन रहेगा दोनों का, और दोनों का LDO नंबर भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी लाइन से दो लाइन, जहाँ से VSIM के लाइन से दो लाइन वोल्टेज की लाइन हमारे CPU में आएंगे, ठीक है। पहले इसीलिए मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको रन कंडीशन समझाऊंगा, ठीक। तो यही वाले VSIM वाले दो लाइन हैं, अभी के जितने भी बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा, दो लाइन आपके VSIM वाले लाइन में से दो लाइन हमको CPU के अंदर में भी वोल्टेज मिलना चाहिए और वो लाइन की सर्किट भी कंप्लीट होना चाहिए, तब के कंडीशन में हमारा सर्किट वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्या हमको इसके अंदर में जो सिम जो ट्रिगर होता है, इस ट्रिगर को समझाने के लिए एक एक करके मैं समझा रहा हूँ तब समझ आएगा। पावर आईसी से एक 1.8 की लाइन आता है जो डिटेक्टर की लाइन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सर्किट के अंदर में एक 100 किलो ओम्स का एक रजिस्टर यूज किया गया है। उसके बाद ये लाइन आगे निकाल करके लेके गया है, आगे निकाल के लेके जाने के बाद में ये हमारा स्विच, ये जो लाइन एक स्विच ट्रिगर के इसके साथ में जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्टर की जो पिन होते हैं सिम के अंदर में, तो वहाँ पर हमको दो टाइप के डिटेक्टर पिन मिलेंगे, एक तो पहले से टच हुआ रहेगा, एक बाद में सिम डालने के बाद टच होगा, ठीक है। तो ये डिटेक्टर की पिन, इसको DET कोई भी सर्किट के अंदर में DET के नाम से सेव किया गया है, डायग्राम के अंदर में हम जब सर्च करेंगे तो DET लिखा आएगा, वही डिटेक्टर की पिन है। उस लाइन में 1.8 वोल्टेज देखने के लिए आपको मिलेंगे जब यदि ओपन कंडीशन में है, तब के कंडीशन में। इसके अंदर में दो सर्किट, एक तो ओपन रहेगा पहले से, एक सिम डालने के बाद में ये टच होगा ओपन वाली, और एक पहले से टच रहेगा सिम डालने के बाद में ओपन होगा, ठीक है। तो एक इसमें दो पिन है, तो एक पिन हमारा ग्राउंड रहेगा, एक रहेगा डिटेक्टर की पिन, ठीक है जी। अब इसको जैसे क्लियर समझना है तो जाओ जी डिटेल, सॉरी इसमें का बताओ, सिम के ये कनेक्टर को दिखाओ, दोनों को, दोनों टाइप को रखा हुआ हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले को बताओ, पहले से वो ओपन है, हाँ दोनों बोर्ड को एक एक करके बताओ। थोड़ा क्लियर कीजिए, ये वाला डिटेक्टर पिन है हमारा, ठीक है। ये ऑलरेडी शुरू से ओपन है, जब हम सिम डालेंगे तब के कंडीशन में ये दोनों टच होगा। तो इसमें क्या है, एक तो ग्राउंड है, ये वाली हमारी ग्राउंड है, ये हमारा वोल्टेज की लाइन है 1.8 की लाइन। तो जब हम सिम डालेंगे, सिम डाल लीजिए, सिम ट्रे इनपुट कीजिए, ये देखिए ये दोनों टच हो रहा है। तो ये 1.8 की लाइन ग्राउंड के साथ में टच हो रहा है, दूसरे वाले बोर्ड को देखिए, इसमें ऑलरेडी शुरू से टच है कि ये भी ओपन वाली है, चेक कीजिए, ये देखिए। इसके अंदर में ये हमारा 8A है, पहले देखे थे वो नोट 4 था, तो 8A के अंदर में पहले से ये टच है पिन हमारा, जब हम सिम ट्रे डालेंगे तब ये ओपन होगा, डालिए सिम, ये देखिए यहाँ से ये ओपन हो गया सिम ट्रे डालते साथ ही, ठीक है। तो हमारे टाइप में जितने भी बोर्ड है उसमें दो टाइप के मिलेंगे। तो मैं अभी इससे पहले जो नोट 4 का दिखाया उसके उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके उल्टा के अनुसार से इसको समझ जाना, ठीक है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि वो ओपन वाली बता रहा हूँ,
जो सर्किट समझाऊंगा वो ओपन है ऑलरेडी, हम सिम ट्रे डालेंगे तब वो टच होगा, वो वाला सर्किट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और उसको अलग से और पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी टच रहेगा, सिम डालेंगे तब वो ओपन होगा। तो उसकी जो सीक्वेंस है सिम की कि इसके अंदर में किस कंडीशन में वर्क करना है, तो हर एक आईसी का अलग अलग है, एक ओपन कंडीशन का सीक्वेंस रहेगा, एक पहले से टच कंडीशन का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो आगे इसके अंदर में फिर से अब यहाँ से मैं लाइन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने तीन रजिस्टर यूज किया है, एक रजिस्टर के साथ अटैच किया, दूसरे के साथ अटैच किया, तीसरे के साथ अटैच किया, तो तीनों 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो ये तीनों किस किस पर्पस के लिए लगे हुए हैं, एक तो हमारा सिम वन के लिए लगेगा, एक मेमोरी कार्ड के लिए लगेगा, एक सिम टू के लिए लगेगा। तो तीन लाइन है ऑलरेडी अटैच, तो ये क्या है, इसकी एक्टिविटी को क्लियर करता है कि जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए सिम मेमोरी डालते हैं और सिम डालते हैं, जब कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए हमको कोई भी एक नोटिफिकेशन चाहिए इस सीपीयू को कि कौन सा चीज लगा है उसके अंदर में, सिम लगा है, मेमोरी लगा है, उसके अनुसार से यहाँ से हमारे वोल्टेज की रन कंडीशन आगे आपको समझाऊंगा, उसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइन को कंप्लीट करता हूं, तो सबसे पहले ये 1 किलो ओम्स का पहला वाला रजिस्टर दिया सिम वन के लिए, ठीक। तीनों का अलग अलग लाइन मिलेगा हर एक सेट के अंदर में, सिम वन के लिए अलग लाइन मिलेगा, सिम टू के लिए अलग और मेमोरी कार्ड के लिए अलग, और ये डिटेक्टर वाली लाइन से 100 किलो ओम्स के आउटपुट साइड से जुड़े रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा लिया वो हमारा है सिम टू, उसके बाद तीसरा लिया वो हमारा रहेगा एचडी कार्ड, ठीक है। इतना में ये सिम का ये हाफ डिटेक्टर सर्किट ये हमारा ये कंप्लीट होता है, ये हमारे डिटेक्टर की पिन है, यहाँ जब अभी जो हम दिखा रहे थे वो हमारा यही वाला पिन है, इसको हम ओपन वाला अभी समझा रहे हैं, ये ऑलरेडी शुरू से ओपन है, हम जब सिम डालेंगे तब ये टच होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 1.8 की वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल रहा है जो ये पावर आईसी से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन, तो ये पावर आईसी से अभी रन कंडीशन में है जब तक ये ग्राउंड के साथ में टच नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वोल्टेज रन कर रहा है, क्या इतना में हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, बताओ तो नहीं, कौन सा ऐसा लाइन इसमें का मिसिंग, कुछ है? कुछ भी हिंट है, हल्का फुल्का है बोल रहा हूं जी, कि इसमें का ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका कि इसके अंदर में और अभी लाइन बाकी, नहीं पता, ठीक है। ये सर्किट अभी हमारा अधूरा है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला लाइन, डेटा की लाइन को हर एक आदमी इग्नोर करता है, इसमें का जो सिम सेक्शन के अंदर में जो डेटा आयो का सेक्शन है, उस लाइन के लिए हमको जितनी सिम वन और सिम टू के लिए जो वोल्टेज आएगा उतना वोल्टेज हमको डेटा को भी चाहिए, अगर इसमें 2.8 है 2.8 चाहिए डेटा को, 1.8 है तो 1.8 चाहिए, लेकिन समथिंग सबसे ज़्यादा 2.8 2.9 की वोल्टेज से सिम हमारा चलता है जितने भी हैंडसेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किट बनाया, ये लाइन को तो मैं बाद में समझाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन हर एक को पता है इसके अंदर में कि मोडेम की एक लाइन होता है जहाँ से हमको पावर आईसी के अंदर से जो बक की सर्किट होता है, तो बक के सर्किट के अंदर में मान लीजिए 5-6 कॉइल मिला, हम कभी भी वोल्टेज विदाउट सिम जब चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमको मोडेम की वोल्टेज नहीं दिखाई देता, वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलता, तो वो कब मिलता है वो इसमें क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। ये पूरे जो सेक्शन का वर्क है वो नेटवर्क से पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक सिम नहीं डालोगे तो नेटवर्क थोड़ी ना आएगा जी, नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले इसको बाद में मैं आपको क्लियर आगे करके समझाऊंगा, तो ये हमारी मोडेम की लाइन, उसके बाद में मैं लेता हूँ दो लाइन हमारे वी सिम वन और वी सिम टू के अंदर में, मैंने दो रजिस्टर लिया, तो कोई हैंडसेट के अंदर में 10 किलो ओम्स दिए रहता है और कोई हैंडसेट के अंदर में 15 किलो ओम्स रहता है, ठीक है। तो किसी किसी में 10 दिया है, किसी किसी में 15 दिया है, तो मैं यहाँ पर 10 to 15 समझ जाओ, 10 से 15 किलो ओम्स दोनों मेंशन कर दिया हूँ, किसी में 10 रहेगा किसी में 15 किलो ओम्स रहेगा, और यहाँ से लाइन आ करके हमारे डायरेक्ट डेटा के लाइन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये जो सर्किट बनाते जा रहा हूँ, ये सर्किट के अंदर में अगर एक भी लाइन मिसिंग हुआ तो आपका सिम वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन ये सर्किट कंप्लीट चेक करने से पहले हमको क्या क्या चीज चेक करना पड़ता है, क्या क्या चेक करते हो अगर सिम नहीं चलता तो? हाँ, सबसे पहले हमको फोन में जाकर के अबाउट में बेसबैंड सबसे पहले हमको क्लियर करना है कि हमारा बेसबैंड ओके है कि नहीं। हाँ, यदि हमारा सिम शो नहीं कर रहा है हैंडसेट के अंदर में, तो वो पहला प्रोसेस है कि हम सबसे पहले बेसबैंड और नंबर चेक कर लें कि ये दोनों क्लियर है कि नहीं। अगर ओके है उसके बावजूद वर्क नहीं कर रहा है, तब ये आगे की कंडीशन हम चेक करते हैं सिम की कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा फुल सर्किट है जो रन कंडीशन में रहेगा, और सिम के लिए जितने लाइन चाहिए हमको ये पूरे लाइन इसके अंदर में कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर में ये पोर्शन जो मॉडेम की लाइन है वो एक्स्ट्रा है, जो आपको आगे समझाऊंगा कि ये सर्किट के बाद में आगे ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए कई सारे क्वेश्चन मेरे को छोड़े थे यूट्यूब के अंदर में कि इस ये वोल्टेज कैसे आएगा, ये वोल्टेज कैसे आएगा, जो नेटवर्क सेक्शन का 1, 2, 3 का जो लेसन चलाया था उसके अंदर में इसका बहुत सारा सवाल था कि WTR के अंदर में हमारा जो वोल्टेज आता है वो किसी के बोलने से आता है। तो उसमें यही क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो उसके बताने के बाद में वहां पर वोल्टेज आता है, वो आपको इस सेक्शन में क्लियर होगा। ठीक है, ये अब हमारा आ गए हम सिम वोल्टेज रन कंडीशन में कि हमारा जब सिम इसके अंदर में जब डालते हैं तो ये जितने भी लाइन है ये वर्क करना कैसे स्टार्ट करता है। अभी फिलहाल ये वोल्टेज रन कर रहा है हमारा 1.8 का। ठीक है जी, अभी वोल्टेज यहाँ से 1.8 का इसको कंटिन्यू मिल रहा है, लेकिन हम सिम इसके अंदर में नहीं लगाए हैं। ठीक, सिम लगा नहीं है। जब हम इसके अंदर में सिम लगा देंगे, सिम लगाएंगे तो सिम लगाने के बाद में ये ट्रिगर वाला सिस्टम अभी जो बताया हूँ उसके अनुसार से ये डिटेक्टर वाली जो पिन है, इसमें समझ आया है कि डिटेक्टर पिन टच होगा। अभी हम जब सिम डालेंगे, सिम डालने के बाद में ये हमारा 4Zen टच होगा। यहां पर जैसे ही टच होगा तो ग्राउंड के साथ में यदि ये 1.8 की वोल्टेज अगर यहां पर अगर ग्राउंड में दे दिए जाए तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा वहां से वोल्टेज, पूरा पूरा सारे ग्राउंड में चले जाएंगे, यहां पर हमको वोल्टेज फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हमारा सिम ट्रे डालेंगे इसके अंदर में, सिम ट्रे डालते साथ ही यहाँ के वोल्टेज जैसे ही यहाँ 1.8 आना बंद हुआ सीपीयू को तुरंत पता चल जाएगा कि इसने सिम डाला, मेमोरी डाला, सिम 1 डाला, सिम 2 डाला। ठीक है, ये हम सिम डाले, सिम डालने के बाद में यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया ये वोल्टेज। ठीक है, साउंड में फिर बोलते हो, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज यहाँ से गायब होगा जब हम ग्राउंड के साथ में ये जो टच हुआ ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, वोल्टेज आना जाना पूरा खत्म है, इंक्रीज। शुरू में उसके दोनों ग्राउंड और 1.8 के बीच में टकराव हुआ। ठीक, टकराव होने के बाद में ये वाला वोल्टेज उसके साथ में खत्म हो जाएगा। खत्म होते साथ ही सीपीयू को पता चल जाएगा कि हमारा सिम 1 और सिम 2 और मेमोरी कार्ड डाला है। और इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यदि हमने सिम 1 नहीं डाला, सिम 2 डाला है, या हम दोनों सिम नहीं डाले हैं ओनली हम ट्रे डाल देते हैं, तो भी हमारा ये आउटपुट का सर्किट का वोल्टेज चालू नहीं होने वाला, क्योंकि उनको भी फीडबैक चाहिए ना। यहाँ क्लॉक और डेटा लाइन से वो फीडबैक ले सकता है कि सिम लगा है कि नहीं लगा है, तो वो भी चाहिए हमको। तो सिम लगे कंडीशन में आप चेक करना, कभी भी चेक करना, तो सिम लगा के ट्रे के अंदर डाल के वोल्टेज की मेजरमेंट करना, जो अभी समझाते जा रहा हूँ। अगर ओनली ट्रे डाल के, तो ट्रिगर यहाँ से डिटेक्टर की पिन चल ही रहा है बोल के उसी को डाल के अगर चेक करोगे तो आपको क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, सिम डाल के चेक करना। तो अभी के डेट में ये वोल्टेज हमारा पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ग्राउंड के साथ, तो ये वोल्टेज यहाँ पर समाप्त हो गया उसके अंदर में ग्राउंड के साथ में। उसके बाद में सीपीयू को पता चला, सीपीयू को पता चलते साथ ही ये दो लाइन मैं I2C के दे दिया हूँ। ठीक है, कि इसके अंदर में ये चीज़ हमको पता चला कि ये सिम और मेमोरी कार्ड लगने के बाद में ये आगे की सर्किट को चालू कराना है। जब तक ये सिम डलेगी नहीं तब तक हमारा इसके अंदर में आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता, देखने के लिए नहीं मिलना ना, ये डेटा और क्लॉक की लाइन सब चलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो जैसे ही I2C लाइन से इसको सबसे पहले इसको पता चला कि सिम डल चुका, उसके बाद I2C लाइन से एक सिग्नल जाएगा LDO को। ठीक है जी, तो LDO वर्क कैसे करता है आप लोगों को पहले भी समझाया हूँ। एक हमारा वोल्टेज इन जो इसके अंदर में VPH पावर दिया, चाहे कोई भी बक्स है, जैसे कि 2.0 वाले 2.05 का जो S4 था,
वहाँ से बम हाई एलडीओ लो एलडीओ बन रहा था ना, दोनों अलग अलग था। तो वहाँ से ये जो एलडीओ है, जैसे कि बाकी सेक्शन के एलडीओ क्या होता है कि हमने यूएसबी लगाया उसके बाद आउटपुट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सिम के जो लाइन के जो ये दोनों पिन जो बता रहा हूँ, ये यूएसबी डालते साथ तो आपको वोल्टेज नहीं मिलने वाले, इसको इनेबल सिग्नल चाहिए। जब तक कोई ट्रिगर नहीं करेगा इसको, तब तक यहाँ से वो आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालने वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एलडीओ है, इसमें से सीपीयू इस एलडीओ को सबसे पहले वोल्टेज इन ऑलरेडी रहेगा, वोल्टेज ये आउट की लाइन ये दोनों हो गए, लेकिन वोल्टेज आउट होगा नहीं, एक लाइन ग्राउंड रहेगा। जैसे ही इस लाइन को सीपीयू इसको इनेबल पास कराएगा, इनेबल पास कराते साथ ही हमारा यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज आउटपुट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पर सिम में जाते हैं, उसी के साथ में हमारा किस में जा रहा है, ठीक है, वही वोल्टेज जो सिम की वोल्टेज है वो यहाँ भी जा रहा है, और उस वही लाइन हमारे सीपीयू में भी आ रहे हैं। अब सीपीयू में आने के बाद में ये वोल्टेज आते साथ ही हमारे डेटा और क्लॉक की लाइन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये सीपीयू में आया, ये आउटपुट होते साथ ही ये सीपीयू में वोल्टेज आते साथ ही सीपीयू में ये दोनों वोल्टेज आएंगे। हाँ, नहीं वोल्टेज, हाँ वही बंद हो जाएगा ये वोल्टेज, ये वोल्टेज बंद हो जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज नहीं मिलने वाला, ये सिम भी चाहिए, उसका भी फीडबैक इसको मिलना चाहिए, तब की कंडीशन में आउटपुट शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि उसको डाल दिए, इसको ट्यूजर से ऐसे दबा दिए, ग्राउंड दे दोगे तो ये सीपीयू पता चल जाएगा, ऐसा नहीं, ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तब उसको पता चलेगा। और उसको ऐसे करके ग्राउंड में रख के उसको 1.8 वाले को आप खत्म कर दोगे और यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा बोलोगे तो नहीं मिलेगा। पुराने वाले को तो मैं ट्राई अलग से और नहीं किया, लेकिन अभी नए वाले सर्किट के अंदर में कोई भी हैंडसेट में करोगे तो वोल्टेज नहीं मिलता वहाँ पर आप, हाँ जब तक सिम नहीं डालोगे तो वो सिम के वोल्टेज आउटपुट होता ही नहीं। लेकिन डिटेक्टर के पिन एक ऐसा चीज़ है कि ये सीपीयू को पता चलना चाहिए कि ये सिम लगा, और ऐसे ही डिटेक्टर को कर दोगे तो वो सिम लगा है बोल के पता चल रहा है, तो ये लाइन से इसको सेंस करना स्टार्ट करेगा ना कि सच में सिम लगा है कि ओनली डिटेक्टर के पिन डिटेक्ट है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद सीपीयू के अंदर में ये वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया और ये सिम को देना स्टार्ट हो गया। जैसे वो सिम को देना स्टार्ट करेगा, कहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा देना स्टार्ट किया, उसके बाद में ये हमारे डेटा और क्लॉक और रीसेट की लाइन स्टार्ट कर दिया। मैं अभी देख लो, यहाँ डेटा वाली लाइन जो है ये नहीं स्टार्ट किया हूँ, मैं दोनों का डेटा लाइन अभी छोड़ दिया हूँ, इसलिए छोड़ा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि ये लाइन को भी कुछ चाहिए जो मिलने के बाद में ये डेटा की लाइन कंप्लीट वर्क करना शुरू करेगा। देखो यहाँ से मैं आपको 10, 10 और 15 किलो ओम्स का रजिस्टर बताया हूँ, यहाँ पर लगे, यहाँ जैसे ही वोल्टेज आएगा यहाँ भी आएगा डेटा के साथ में। यदि ये लाइन में से कोई मिसिंग हो गया उस समय में वो सिम नहीं वर्क करेगा, बाकी सर्किट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन डेटा की लाइन में ये जब तक वोल्टेज नहीं आएगा ये 2.8 की वाली, तब तक ये हमारे सिम वर्क नहीं करेगा। डेटा को भी चाहिए हमको 2.8 की वोल्टेज, ठीक है। ये पुल अप कंडीशन हो गया आपको, अब इसको पुल अप सर्किट भी समझ के चल सकते हो। अब इस डेटा के लाइन के लिए पुल अप करा रहा है, अगर इस डेटा के लाइन को ये वोल्टेज नहीं दिया जाए तो जैसे ये क्लॉक की लाइन है वैसे वो भी रहेगा, इसको पुल अप कराया गया है ये 10 किलो ओम्स के रजिस्टर दो दे करके, और कितना पुल अप होगा 2.8 का, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये वोल्टेज मैं रन कराना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर दोनों की लाइन, यहाँ से अब वोल्टेज इसको डेटा को देना स्टार्ट किया मैं। जैसे ही वोल्टेज की डेटा देना स्टार्ट किया, तब के कंडीशन में ये डेटा की लाइन भी स्टार्ट हो गई चल, ठीक है। यहाँ इतना दूर तक हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका, सिम वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, ये सर्किट, ये डेटा और ये जितने भी सारे कंप्लीट उसके अंदर में रन होना स्टार्ट होगा, तब के कंडीशन में हमारे यहाँ पर ध्यान देना, ये मॉडेम वाली लाइन को, ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मॉडेम की लाइन में स्विचिंग स्टार्ट होगा,
तब के कंडीशन में सीपीयू पावर आईसी को कंप्लीट डेटा बताएगा कि सिम एक्चुअल में लग चुका। उसके बाद में ये पावर आईसी से यहाँ से मॉडेम की लाइन स्विचिंग स्टार्ट होगा, तब वहाँ से हमारा आउटपुट की वोल्टेज निकलना स्टार्ट होता है। जो मॉडेम की लाइन सबसे ज़्यादा 0.80-86 के आसपास के वोल्टेज मिलते हैं जो मॉडेम की लाइन में, जो आप बिना कुछ सिम विम डाले जब चेक करोगे कभी भी, तो ये बक में कोई भी वोल्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना स्विचिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर हमारा ये स्विचिंग स्टार्ट होगा। स्विचिंग जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ से 0.86 की जो वोल्टेज है वो यहाँ सीपीयू को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कौन से सेक्शन को मिलेगा? मॉडेम सेक्शन को। मॉडेम सेक्शन को जाता है ये वोल्टेज जो बाद में निकल के जाता है, जो सिम विम लगाने के बाद में हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। जब ये मॉडेम की वोल्टेज अगर सीपीयू के अंदर में जाने के बाद वो इस चीज की वेरिफिकेशन करता है सिम लगा है, कौन सा लगा है, मेमोरी का नहीं। अब आगे जो चलने वाला है वो सिम के ऊपर में चलेगा, सिम के ऊपर में कि ये 4G लगा है, 3G लगा है, 2G लगा है, उसके अनुसार से यहाँ से ये सारे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ले लेने के बाद जैसे ही ये मॉडेम के लाइन बनता है उसके बाद में हमारे जो WTR के लिए 1.8 का जो वोल्टेज बनता है, तब के कंडीशन में हमको ये WTR के जगह में हमको 1.8 की वोल्टेज मिलेंगे। समझ गए ना, ये एक स्टेप है, इसी स्टेप से चलने वाला है। अब मान लीजिए WTR में वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपने WTR चेंज किया फिर भी नहीं आया वोल्टेज, उसके बाद आपने पावर बदल दिया लेकिन रीज़न पता नहीं है आपको कि क्यों बदल रहे हो, बस वोल्टेज नहीं दे रहा है 1.8, इसके मतलब सीधा उठाओ पावर और बदल। और अगर उस वोल्टेज को मेजर भी करना है WTR वाले वोल्टेज को, तो एक बार जम्पर लगा के रखो 1.8 वाली लाइन में, जम्पर लगा करके मीटर से टच करके रखो, सिम डालो और एक बार हैंडसेट चालू करो, एक बार 1.8 आएगा उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। एक बार 1.8 आएगा उसके बाद में तुरंत चला जाता है वो 1.8, उतना में हमको क्लियर हो जाता है कि हमारा पावर आईसी से कोई भी सर्किट खराब नहीं है, पावर आईसी के आउटपुट LDO ओके है, बस उसको ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। और ये वाले जो वोल्टेज होता है 1.8 जो WTR में जाता है, ये भी सेम ऐसी ही है कि उसको जब तक इनेबल नहीं मिलेगा तब तक वहाँ पर 1.8 की वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन को नहीं देने वाला। जब तक ये मॉडेम की लाइन कंप्लीट होकर के नहीं बनेगा तब तक हमको WTR को 1.8 नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाले सर्किट, ये सर्किट में सभी का एक क्वेश्चन था कि मैं सबको बोला था, ये सर्किट जब समझाया था वीडियो डाला था यूट्यूब में, तो उस समय में बोले थे कि मैं बोला था कि 1.8 किसी के बोलने की वजह से आता है, बोलने के बाद में यहाँ पर हमको इनपुट वोल्टेज मिलेंगे WTR के अंदर। उसमें वही क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा लाइन है जो इसको आउटपुट कराता है, ठीक है। तो WTR के जो सेक्शन में 1.8 के जो लाइन है, तो ये मॉडेम बनने के बाद में यहाँ से हमारे 1.8 की वोल्टेज आगे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट आगे मैं डायग्राम में भी क्लियर करवा दे रहा हूँ और हार्डवेयर टूल में भी क्लियर करवा रहा हूँ कि ये सर्किट में से कितना चीज़ उसमें दिया है और कितना नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम में चला गया, तो डायग्राम के अंदर में ये सिम सर्किट मैं निकाल के रखा हूँ ऑलरेडी। सिम सर्किट के अंदर में ये देखो, ये हमारा है सिम 2 और ये हमारा है सिम 1, ठीक है जी। तो सिम 1 के अंदर में ये हमारा वी सिम है जहाँ पर हमको 2.8 की वोल्टेज मिलेगा, रीसेट की लाइन है, डाटा की लाइन है, क्लॉक की लाइन है, और ये VPP लिखा है, इसको किया है NC, ठीक है। और सेम वही सर्किट इसके अंदर में भी वही चीज़ है। और यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा वी सिम की लाइन है, वी सिम की लाइन यहाँ से 10 किलो ओम्स के रजिस्टर से होते हुए डेटा वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे कोई मॉडल में आप ओपन करके देख लेना, एक मैं समझाने के पर्पस में ये मॉडल निकाल के रख रहा हूँ, इसको जब हम सर्चिंग में भी लेंगे, हम दूसरे मॉडल भी निकालेंगे तो यही है, लेकिन बस फर्क ये रहेगा किसी में 15 किलो ओम्स है किसी में 10 किलो ओम्स है, वो उसकी सीक्वेंस के अनुसार से बना के रखा है, ठीक है। तो एक तो ये रजिस्टर क्लियर हो गया हमको यहाँ तक की, उसके बाद में हमको चाहिए डिटेक्टर की पिन, तो यहाँ पर ये देखो ये डिटेक्टर की पिन है जिस पिन को मैं आपको क्लियर करवाया हूँ। यहाँ जैसे कि हम आगे आ गए, यहाँ पर 4 रजिस्टर लगे, ठीक है,
ठीक है, चार रजिस्टर लगने के बाद में यहाँ से पावर वाई आईसी से 1.8 की वोल्टेज आ रहा है यहाँ से आने के कंडीशन, जैसे ही आएगा और दोनों के आने के बाद जब तक पिन उसके साथ टच में नहीं है तब के कंडीशन में तीनों में हमारा 1.8 की वोल्टेज, ये जो रजिस्टर दिया है जितने भी, ये जीरो ओम्स का दिया है, ये भी जीरो का, ये भी जीरो, तीनों जीरो ओम्स है, अगर कुछ ओम से भी दिया है तो हर आने दूसरे दूसरे सर्किट में दूसरे टाइप के सर्किट रहेंगे, यानी कि सर्किट यही रहेगा और उसमें ओम्स लग रहेगा, उसमें करंट कैपेसिटी को रोक करके आगे ओनली वोल्टेज ही भेजेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो ये जा रहा है आगे और ये तीनों लाइन कहाँ जा रहा है, तीनों सीपीयू में। अगर इसको सर्चिंग भी करेंगे तो ये रहा, यहाँ पर देखो सब लाइन इसी जगह में आया हुआ है। पहले सीपीयू को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये सीपीयू है कि नहीं। ये देखो कंट्रोल U201 U201 और ये हमारा सर्किट है नोट 5 प्रो की, ठीक है, ये नोट 5 प्रो का है, ये सीपीयू के अंदर में है। अब यहाँ पर सिम के पूरे सर्किट इसी जगह में दे दिया है, आगे निकल चुके हैं। ये देखो यहाँ पर सिम वन रीसेट, सिम वन क्लॉक, सिम वन डेटा और ये सिम टू का फिर आ गया, ठीक है। तो वो जो लाइन यहां से निकल करके आ रहा है उसको फिर से मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है यू सिम टू प्रेजेंट, यानी कोई प्रेजेंट है, इसके मतलब कि कोई भी चीज प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर में, तो ये लाइन जा करके सीपीयू को उपस्थिति दिखा रहा है कि हाँ इसके अंदर में सिम लग चुका है, ठीक है। अब ये डिटेक्टर की लाइन कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर में बाकी जो सर्किट है सब दोनों के लिए अलग अलग जो VREG के वोल्टेज आ रहे हैं, ये तो SD कार्ड के लिए था, ये मैं इस चीज को सिम वन वाली को मैं क्लिक कर रहा हूं कि इसमें वोल्टेज कहां से आ रहा है, तो सिम वन को मैं क्लिक किया, एक आया ये CPU होगा हमारा, मैं आपको बोला भी था कि सीपीयू के अंदर में भी दो लाइन आएंगे, ठीक है, U201। उसके बाद में फिर से मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ उस लाइन को, सिम वन को फिर से क्लिक किया, यहाँ पर देखो सिम टू है, सिम वन है और LDO नंबर कौन कौन सा है, कितना, 1 2 3 4 5 तीसरा और पाँचवा, ठीक है, यहाँ पर LDO का नंबर नहीं लिखा है इसलिए तीसरा और पाँचवा, 1 2 3 तीसरा है VREGL L17 और पांचवा 15 और 17, ये दोनों हमारे LDO हैं जो सिम के लिए वोल्टेज के लिए जाएंगे, लेकिन दोनों का ये ट्रिगर सिस्टम है, जब तक इसको इनेबल नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपना आउटपुट 2.8 की वोल्टेज नहीं निकालेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसी चीज़ को टूल में क्लियर करवाता हूँ कि टूल के अंदर में हम क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट आप यह हमारा VDD जो सिम के लिए, ये पावर आईसी से, ये एक ये PM660 है ना, PM660 से VDD जा रहा है जो ये सिम वन और टू के लिए जा रहा है, ये देखिए रेड कलर वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग देखो रीसेट की लाइन, क्लॉक की लाइन और डेटा की लाइन। अब यहाँ पर सोच करके देखो डेटा की लाइन में हमारा वी सिम का लाइन क्यों नहीं जोड़ के रखा है, आप इतना ही तो मेजर करोगे ना डेटा की लाइन में, इसकी वोल्टेज आप थोड़ी चेक करोगे इसको देख करके, ये जो काम करोगे वो कॉपी राइट ही कहलाएगा। आप अब डायरेक्ट मान जाए डायग्राम रीड करके करोगे बेलकार जी, डायरेक्ट अगर आप बिना डायग्राम उठाए अगर तुक्का ढूंढोगे तो वो नहीं मिलने वाला, कुछ हैंडसेट तुक्का में ही निपटेगा, और बाकी आपको लाइफ बढ़िया से करना है तो ये सब हार्डवेयर टूल भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको डायग्राम में ही करवाना है। क्या मैं अभी तक आप लोगों को कभी इसके अंदर में क्लास दिया हूँ, बताया हूँ, ओपन करने के लिए बोला हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गलती कर रहा है उस गलती को हम भी करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट लाइव करो ना डायग्राम के ऊपर में कि कौन कौन से लाइन और एक्स्ट्रा है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर में वही चीज़ दिया है, कितना लाइन दिया है, 3 और 1 4 4 लाइन, ये डेटा क्लॉक रीसेट
वी सिम, और वी सिम के जस्ट नीचे में रहता है हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड के जस्ट बगल में रहता है हमारा जो एनसी वाले पिन। अगर किसी किसी में अगर ये पिन एनसी नहीं किया है तो वी सिम के साथ में ऐसे जोड़ देता है, याद रखो। ठीक है, कई सारे हैंडसेट के अंदर में अगर ये वी सिम इस लाइन के साथ में यदि नहीं जोड़ा है तो एनसी करके रखेगा, अगर एनसी नहीं किया है तो ये इसके साथ जोड़ देता है वी सिम, वीपीपी जो लिखा रहता है उस वाली लाइन। ठीक है, तो हमको ओनली मेजरमेंट करना होता है पांच पॉइंट, लेकिन पांच पॉइंट के अंदर में और जो सर्किट इसके अंदर में, अगर इस लाइन के अंदर में यहां से जो डेटा वाली लाइन है ये कलर है ये वाला, तो ये वाला लाइन एक सर्किट अगर उसके अंदर में बना करके डाल देता ना तो हम यहां पर इजी हो जाता उसके लिए, हम पूरे सर्किट समझ जाते उतना में कि हाँ ये सर्किट है कंप्लीट उसके अंदर में। क्योंकि आप रियल में इस चीज को जब चेक कर रहे हो तो उतना समय क्या सोचोगे, मैं सिम वी सिम वाले ही वोल्टेज चेक कर रहा हूँ बोलेंगे, डाटा का तो नहीं सोचोगे ना। यहाँ पर आप वी सिम की वोल्टेज यहाँ पर चेक करोगे आप ये जगह में, आप वी सिम ही चेक कर रहे हो, वहां पर डेटा की लाइन में 2.8 की वोल्टेज नहीं चेक कर रहे हो उस कंडीशन में। ठीक है, समझ आया इतना आया जी? ठीक है, 13 हमारा शॉर्टकट छोटा सर्किट जो सिम सेक्शन का। ठीक है,